बताइए, आपका नाम बताइए यार, आप क्या पद पे हैं यहाँ पर? मैं अमृतपाल सिंह बामरा प्रेसिडेंट हूँ, सेक्रेटरी हूँ। ठीक है, आज ही हमारे जो चीफ गेस्ट थे सरदार गुरमीत सिंह खोखर, जो गुरुद्वारा कलगीधर दरबार के, उन्होंने ये यहाँ प्रोग्राम का स्पोर्ट्स इवेंट 2021 का उद्घाटन किया। उन्होंने एक सेवा लगाई मुझे, लास्ट उन्होंने अभी पिछले वीक उन्होंने मुझे फ्री मेडिकल कैंप लगाया सेवा उन्होंने, और आज बोल के गए हैं कि चार साहिबजादे की पिक्चर हमको दिखानी है वहाँ पे, और प्रश्न उत्तर करने और इनाम का बंदोबस्त वो करेंगे। सो ये गुरुद्वारा कलगीधर दरबार, जिसको पहले बोलते थे गुरुद्वारा बुद्ध नगर, वहाँ पे हम तारीख करेंगे। ये दिसंबर को हमारा 21 से लेके 30 तारीख तक चार बच्चे शहीद हुए। जय गुरु गोविंद सिंह जी, ये चार बच्चे शहीद नहीं होते तो आज हम कुछ नहीं होते। ये बच्चों की उम्र, छोटे से बच्चों जो थे, छोटे साहिबजादे की उम्र 7 साल बच्चे की, आप सोच सकते हो 7 साल दीवार पे चिनाए गए। यही मकसद से हम चार साहिबजादे पिक्चर दिखाएंगे गुरुद्वारा प्रेमाइसेस में, कि हमने पहले भी वहीं गुरुद्वारा में दिखाया था, एक हॉल बना हुआ है, और हम इस वक्त प्रश्न उत्तर के साथ वहाँ उतरेंगे। पिक्चर एक इंटरटेनमेंट है, पिक्चर इंटरटेनमेंट नहीं करना चाहते हम। सवाल करेंगे कि चार साहिबजादों में से छोटे साहिबजादे कौन है, बड़े साहिबजादे कौन है, और उनके पिताजी कौन है, उनके माताजी कौन है, उनकी दादी कौन है, माता सुंदरी कौन है, और उनका क्या मकसद था नांदेड़ आना, सेवा करना। फिर वो लीन होकर चले गए, उनको लोगों ने बोला है मर्डर हुआ है, मर्डर नहीं हुआ उनका, वो भगवान थे। भगवान अपने आप को भी भगवान नहीं बोलते थे, आपको पता होगा, उनके ऊपर भी कोई था, वो भी भगवान उनको बोलते थे। आपको छोटी सी ही बात बोलूँगा कि ये प्रोग्राम में सहयोग दीजिए, बच्चों को जोड़िए, ताकि मैं हर समाज में ऐसा एक काम कर सकूं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते रहिए, बने रहिए TNN 24 न्यूज के साथ में। हमेशा सच्ची खबरों के साथ, यूं ही तो कहा जाता है सच का प्रहार, क्योंकि TNN 24 न्यूज चैनल पर सत्य पे आधारित हम आपके लिए लाए हैं ओनली फॉर न्यूज, वो न्यूज जो दिल दहलाने वाली होगी। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज रिया शेख के साथ। नमस्कार, मैं तबस्सुम सैयद, सच का प्रहार, देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ TNN 24। नमस्कार, दर्शकों, हर खबर से आगे खबर होती है सिर्फ TNN 24 न्यूज पे, कहीं और ना जाए, ओनली ऑन TNN 24। मैं संदीप सिंह, मैं भी कमेटी मेंबर हूँ इसी ग्रुप का। जी भाई, आपका नाम बताइए। अमरजीत सिंह मथारू, मैं मेंबर हूँ कमेटी के साथ। कमेटी का भाई आपका नाम? मेरा नाम निरंजन सिंह है, और मैं इधर तबले की सिखाने की सेवा करता हूँ बच्चों को। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर सारे लोग मौजूद हैं ताकि वो आने वाली जनरेशन में, जो आजकल आप देख रहे हो ऑनलाइन का ज़माना होते जा रहा है, तो ऑनलाइन में वो कह रहा है कि हर बच्चे के हाथ में मोबाइल आ रहा है, लेकिन मोबाइल आने से बच्चे को वो शिक्षा नहीं मिल पा रही जो वो सीखना चाहिए और उसको सिखाना चाहिए। तो ये हमारा एक छोटा सा मैसेज है सभी को, कि बच्चों को क्या सिखाया जाए और कैसे क्या उनको सिक्की के प्रति जोड़ा जाए, बस इसी उपराले के तहत हमने ये उपराला किया है। और इसके आगे गुरु महाराज हमको और चढ़ती कला बख्शिश करे कि और आगे जनवरी महीने में जब गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पूरब आएगा, तो उस पर भी हम बढ़ चढ़ कर सहयोग करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सबसे पहले तो मैं वाहेगुरु जी का धन्यवाद करता हूँ, और जो बच्चे को अभी कोई सिक्की के बारे में ज्ञान नहीं है, आजकल नेट का ज़माना है, माँ बाप ने उनको नेट से पूरी जानकारी लेके देना चाहिए। बस इसके साथ मैं अपने दो शब्द समाप्त करता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इस संस्था के साथ में जुड़ के मैं यहाँ छोटे बच्चों को तबला सिखा रहा हूँ। मैं खुद तबले में MA किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ तबले की।
सेमी क्लासिकल क्लासिकल जो बच्चे सीखना चाहते हैं उनको सिखाता हूँ। तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर गुरुओं के साथ में महागुरु भी मौजूद है जो चेहरे से नज़र नहीं आते लेकिन गुण बहुत सारे हैं इनके अंदर। तो यहाँ पर देखिए आप संगीत के इतने बड़े कलाकार भी मौजूद है जो बच्चों को तबला वादक भी सिखा रहे हैं, क्लासिक भी सिखा रहे हैं। तो एक ही छत के नीचे इतना सारी चीज़ें यहाँ पर बच्चों के लिए मुहैया कराई जा रही है। तो हम तो बोलते हैं आइए और इस कम्युनिटी से जुड़िए जो सिख यूथ मल्टीपर्पज़ कम्युनिटी यहाँ पर है, इनसे जुड़िए और अपने बच्चों को कामयाबी की ओर आगे लाइए।